गाइस आज के दिन हम लोग जाने वाले हैं हल्के हिवेन में, वो भी इन सीढ़ियों के सहारे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, जितना हम लोग आगे जाते जाएंगे ये भी इतना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो चलो आओ यार गाइस हम लोग चलते हैं हल्के हिवेन में। तो सबसे पहले चैलेंज यहाँ पर विलमिल है, जो कि काफी आसान है गाइस। यहाँ पर देखो कितने आसानी तरीके से मैंने इस विलमिल को पार कर लिया। एक सेकेंड, ये विलमिल के ऊपर कौन है? ये तो हल्क साइडेड है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इन सीढ़ियों को पार करना इतना आसान नहीं है, तुम पार नहीं कर पाओगे और तुम हल्के हिवेन में बिल्कुल जा ही नहीं पाओगे। गाइस यार ये तो हम लोगों को चैलेंज कर रहा है। चलो गाइस यार हम लोग चलते हैं और इसको बताते हैं कि हम लोग किसी से भी कम नहीं है। अब ये क्या है, लगता है कि हम लोग को इसको ऊपर से जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं ऊपर, आसानी से चल जाएंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ये तो काफी इजी है, इसे तो मैं आसानी से पार कर लूंगा। चलो चलते हैं आसानी से। ये देखो गाइस यार, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है? कोई नहीं गाइस यार, हमें चेक पॉइंट तो मिल गया था, इसलिए मैं आ चुका हूँ ऊपर वापस से। और गाइस यहाँ पर ये क्या है, इतनी ढेर सारी सुपर कार। यहाँ पर लगता है ये सारी कार्स हल्की हैं। अरे भाई साहब ये तो काफी मस्त कार लग रही है। लेकिन हल्क ने इतनी अच्छी कार्स को अपने स्टेयर्स में क्यों लगाया? लगता गाइस ये हल्क ना अपनी कार्स को लेके ना शो ऑफ करना चाहता है। गाइस हम लोग इन सारी कार्स को ना ब्लास्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से मैं स्टिकर बम निकाल लेता हूँ। गाइस अब जो है ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस यार मैं सारी हल्क की कार्स को, सुपर कार्स को मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। तो गाइस क्या आप लोग रेडी हो? हाँ मुझे पता है कि आप लोग रेडी हो बिल्कुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड बूम। गाइस यार यहाँ पर देखो क्या ही धमाका हुआ, गाइस यार मजा ही आ गया हल्क की कार्स को तबाह करके। ऐसी बात नहीं है गाइस कि मेरे पास एक भी सुपर कार्स नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही किया मस्ती के लिए। अब गाइस यार ये हल्क के स्टेट्स में ये आयरन मैन क्या कर रहा है? फ्रैंकलिन अगर तुम्हें हल्क के हिवेन में जाना है तो उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वैसे मतलब कि हिवेन में जाने के लिए ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है? चलो कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, क्या ही करना है? अरे तुम्हें बस ये रॉकेट लॉन्चर लेना है और इस ब्लिंप पे दे मारना है। ओ अच्छा, तो ऐसा करना है, ये तो काफी आसान है। चलो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से ये रॉकेट लॉन्चर ले लेता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पर मैंने रॉकेट लॉन्चर तो ले लिया है और ये रहा ब्लिम। चलो मैं इस ब्लिम को ना मैं फोड़ता हूँ, काफी मजा आएगा। अरे भाई साहब गाइस यार ये देखो क्या ही धमाका हुआ, पूरा पटाखा जैसा लगा। गाइस यार यहाँ पर देखो ये अभी तक नीचे नहीं गया। गाइस यार ये क्या हो रहा है? कभी कभी गाइस यार GTA 5 के लॉजिक ना आसमान छू देते हैं। फ्रैंकलिन तुमने काफी बढ़िया काम किया, अभी तुम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है आयरन मैन, फिर कभी मिलेंगे। गाइस यार अभी तक का तो सफर काफी धमाकेदार चल रहा है, आगे देखते हैं गाइस यार क्या ही सीन होता है। चलो गाइस यार चलते हैं पिचक करते हुए और आगे की तरफ। वैसे क्या दिख रहा है मुझे? भाई साहब यहाँ पर तो हल्क है और एक साइंटिस्ट है। अरे ये साइंटिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है हल्क के साथ? मेरे फ्रेंड हल्क के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना साइंटिस्ट तुम? फ्रैंकलिन मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ठीक कर रहा हूँ स्टेयर को। आगे जो स्टेयर है ना वो टूट चुका है, तो उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उससे गाइस यार यहाँ पर तो आगे का रास्ता टूटा हुआ है, हम लोग आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे? अरे फ्रैंकलिन मैं तुम्हें सुपर जंप की पावर दे सकता हूँ, तुम बस यहीं पर खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है साइंटिस्ट जल्दी से कर। वो गाइस यार ये क्या हुआ मुझे? अरे फ्रैंकलिन अब तुम्हारे पास सुपर जंप की पावर आ चुकी है। अच्छा तो सच में क्या ऐसा हुआ है? चलो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पर जंप मार के। अरे भाई ये क्या हुआ, मैं तो पहुँच चुकी है। गाइस यार ये देखो वो रहा है हमारा साइंटिस्ट, थैंक यू सो मच साइंटिस्ट। चलो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की जर्नी। गाइस ये देखो यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज भी है। एक सेकंड, ये नीचे कौन गिरा? गाइस वो ज़ॉम्बी तो काफी चालाक था, वो तो खुद नीचे गिर गया। वैसे भी इन सारे ज़ॉम्बीज को मैं अपने हाथों से मतलब की गन से गिराने वाला हूँ। पहला वाला पुचक, दूसरा वाला पुचक, तीसरा वाला पुचक, चौथा वाला नहीं है पुचक। हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अभी हम लोग आराम से जा सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, चलो कोई नहीं गाइस हम लोग के पास वैसे भी चेक पॉइंट आ चुका था। चलो अभी हम लोग चलते हैं आगे। कोई तो आगे दिख रहा है मुझे, लेकिन ये है कौन? लगता है कि ये किसी टाइप का हल्क है। और यहाँ पर तो पंखे लगे हुए हैं, लेकिन ये पंखे यहाँ पर क्यों लगे हैं? हेलो फ्रैंकलिन, मेरा नाम है मिस्टर फिक्सेड, तुम्हें काम करो, इस पंखे के ऊपर आके खड़े हो जाओ। लेकिन इस पंखे के ऊपर खड़े होने के बाद होगा क्या? फिर तुम उड़ने लगोगे और उड़ने के बाद तुम उस रैंप के ऊपर चढ़ जाना। लेकिन कौन सा रैंप? कहीं यही वाला रैंप तो नहीं है ना? हाँ फ्रैंकलिन वही है वो रैंप, उस रैंप के ऊपर जाके तुम आराम से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा तो ठीक है, चलो मैं समझ गया, मैं एक काम करता हूँ, इस पंखे के ऊपर आके खड़े हो जाता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है भाई साहब, मैं तोड़ने लगा। चलो इसी का फायदा उठाते हुए मुझे इस रैंप के ऊपर जाना पड़ेगा। बस 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 यहीं पर, अरे मैं पहुंच गया गाइस यार, लेकिन थोड़ी सी चोट लग गई। कोई नहीं, यहाँ पर तो गाइस यार इतने ढेर सारे कार्टून हल्क है। गाइस ये कार्टून हल्क तो काफी अट्रैक्टिव और क्यूट लगते है ना गाइस, आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी। ये रहा स्टेट, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। गाइस ये तो मुझे किसी टाइप का टावर लगता है, मुझे इसके ऊपर
चढ़ना ही पड़ेगा और चढ़ने के लिए मुझे अंदर की तरफ एक लैडर दिख रहा है। चलो उसके सहारे हम लोग चलते हैं। चलो चलो जल्दी से ऊपर चलो, हम लोग को जाना है हल्के स्टेयरवेज में और हम लोग को ढेर सारे हल्स को देखना है। वहाँ पर काफी सारे अच्छे अच्छे हल्स होंगे। गाइस हवे में घर, ये वाला घर तो काफी महंगा होगा ना गाइस, यानी कितनी कीमत होगी इस घर की। लेकिन एक सेकेंड, ऊपर की तरफ ये ट्रेवर क्या कर रहा है? और भाई ट्रेवर तू हल्के स्टेयरवेज में क्या कर रहा है? मैं तो बस इस घर को ठीक कर रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से ये कौन आ गया। अरे ये कौन आ गया से मतलब क्या भाई? ये तो हल्क है ना भाई, ये एलियन वाला हल्क है। अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगा कि पता नहीं कौन आ गया मेरे घर के ऊपर। ड्राइवर ये तेरा घर है? हाँ ये मेरा घर है। अरे भाई सब क्या ही घर लिया तूने तगड़ा वाला, वो भी हवे में। आजकल कमाई ज्यादा हो रही है ना इसीलिए। हाँ भाई ड्राइवर तेरे तो दिन चल रहे हैं, मैं तो यहाँ पर नल्ला बैठा हूँ। चल झूठा, यूट्यूब की वीडियोस बना के रोज लक्स कोजी की चड्डी पहनता है और बोलता है कि कमाई नहीं करता है। अरे पब्लिक प्लेस में ये सब बोलने की क्या दरकार थी ड्राइवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि ड्राइवर कितना अजीब सा इंसान है, वो कुछ भी बक देता है अजीब तरीके से, तो मैं सब कुछ भी नहीं करता हूँ। गाइस यार हम लोग तो काफी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर तो एक और हल्क है। और ये कैसा दिख रहा है? लगता है कि ये गाइस यार ये तो एशियंट वाला हल्क है और इसके पास तो एक बाइक भी है। लगता है कि सब वक्त आ चुका है बाइक चलाने का और बाइक चलाते हुए हम लोग को जो है ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर एक जो टारगेट टाइप दिख रहा है ना हम लोग को, उसके ऊपर जाके लैंड करना पड़ेगा। तो चलो गाइस चलते हैं अपने सुंदर से हल्के दिखने वाली बाइक से। चलो स्टार्ट करते हैं बाइक और चलाते हैं आगे की तरफ इसको। गाइस फिलहाल तो ये बाइक काफी स्लो चल रही है लेकिन इसमें बूस्ट भी है। ये देखो गाइस यार कितनी स्पीड चल रही है। वो गाइस ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं हल्के हिवेन के पोर्टल के पास। तो चलो गाइस यार चला जाए हल्के हिवेन में। इसके लिए आप लोगों को जल्दी से वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। 1 2 3 लेट्स गो। तो गाइस यार ये रहा हल्का हिवेन, क्या ही अद्भुत नजारा है। गाइस अगर आपको भी ये अद्भुत नजारा अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। तब तक के लिए आप लोगों को दो वीडियोस देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप लोग कोई सी भी क्लिक करके देख सकते हो।